गाइस मूवी में आप लोग एक ऐसी किलर जीन्स को देखेंगे जो लोगों को बेहद ही बेरहमी से मारती है। लास्ट में इसका रीजन आपको चौंका देगा। सो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक इंडियन गर्ल कॉटन फील्ड में कॉटन को तोड़ रही है। वो कनाडा देश के क्लॉथ्स बनाने वाली कंपनी के लिए काम करती है। सो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें कनाडा में एक क्लोथ स्टोर को दिखाया जाता है। इस क्लोथ स्टोर पर आज कुछ यूनिक तरह की जींस को इंपोर्ट किया गया है, जो कि ये जींस उसी इंडियन कॉटन से बनी हुई थी। अब हम यहाँ पर लिबी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो इस क्लोथ स्टोर में काम ढूंढने के लिए आई है। लिबी स्टोर में श्रुति नाम की एक इंडियन गर्ल से मिलती है। श्रुति भी इसी स्टोर में एक एम्प्लॉई है। वो उसे स्टोर के मैनेजर क्रेग के पास में ले जाती है। क्रेग लिबी से काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे आज से ही काम पर रख लेता है। अब यहाँ लिबी अपने वर्क को देखने लगती है और तभी हम दूसरी तरफ उन्हीं जींस को देखते हैं। यहाँ पर एक जींस अपने आप ही कुछ मूवमेंट करने लगती है। अब कुछ समय बाद में उसी जींस को कोई लड़की उठा ले जाती है। ये लड़की जिसने उस जींस को उठाया था उसका नाम जेम्मा होता है, जो कि वो भी इसी स्टोर में काम करती है। उसे ये जींस काफी पसंद आ गई थी जिससे उसने इसे चुरा लिया। अब इसी दौरान वो इस जींस को पहन भी लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ का मैनेजर सभी लोगों को स्टोर में न्यू CCC कलेक्शन के बारे में बता रहा है। वो कुछ और आगे बोलता ही है कि तभी जेम्मा को कुछ अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, जिसके बाद में वो टॉयलेट की तरफ जाने लगती है। क्रेग यहाँ पर नोटिस करता है कि क्या जेमा ने उन्हीं में से कोई जींस पहनी हुई है, मगर तब तक जेमा यहाँ से निकलकर टॉयलेट पहुँच जाती है। इस साइड में स्टोर का ओनर हेरोल्ड यहाँ पर आकर सबके सामने प्रेजेंटेशन देता है। वो कहता है कि कल हमारे लिए काफी खास दिन है। ये जो भी जींस हमने बनाई है वो दुनिया में रेवोल्यूशन ले आएगी, क्योंकि हमने इंडिया के कॉटन को यूज करके ऐसी जींस बनाई है जो सभी लोगों की फिटिंग को ऑटोमेटिक ही मैच करेगी। अब इस तरफ हम जेमा को देखते हैं। वो टॉयलेट में जाकर अपनी जींस को उतारने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जींस खुलने के बजाय और टाइट होती चली जाती है। ये जींस इतना टाइट हो जाती है जिससे जेमा की बॉडी से खून निकलने लगता है और कुछ समय बाद में उसकी बेहद ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। ये जो भी जींस होती है वो एक कैनिबल जींस लगती है, जो वो जेमा के मांस को खाती है और उसका खून भी पी लेती है। इस तरफ हेरोल्ड क्रेग से यहाँ की चीजों को देखभाल करने को कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि कल एक इम्पोर्टेंट डे है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए वो इस स्टोर में लॉकडाउन लगा के चला जाता है, जिससे समय से पहले ना कोई बाहर जा सके और ना ही कोई अंदर आ पाए। जेमा की काफी देर से इधर कोई भी खबर नहीं मिली थी, जिससे क्रेग हंटर को जेमा को ढूंढने जाने के लिए कहता है। हंटर जेमा को टॉयलेट में ढूंढने के लिए जाती है। यहाँ पर उसे जेमा तो नहीं मिलती, पर उसने जो जींस पहना हुआ था वो यहीं पर थी। इस जींस के लोगो पर एक साइड रेड कलर से फिल हो गई थी, इससे ये इस चीज को दिखाता है कि इस जींस ने एक लोग को मार डाला है। हंटर इस लोगो को गौर से देखती है और तभी वो उसी जींस के वश में आ जाती है। हंटर अब तुरंत अपनी जींस को उतार कर इस जींस को पहन लेती है, लेकिन इसी दौरान वो जींस हंटर को भी मार देती है। उसको मारने के बाद जींस के लोगों में एक और रेड कलर फिल हो जाता है। क्रेग इधर हंटर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता, जिसके बाद में वो यहाँ की एक न्यू एम्प्लॉई लिबी से उन दोनों को ढूंढने जाने के लिए कहता है। लिबी उन दोनों को टॉयलेट में ढूंढने के लिए जाती है। उसे यहाँ पर किसी के बाल नजर आते हैं और जब वो इसे खोल के देखती है तो यहाँ पर जेमा बहुत ही बुरी तरीके से मरी हुई मिलती है। लिबी तुरंत ये बात क्रेग को बताती है, लेकिन क्रेग इसे देखकर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि कल उसके लिए बेहद ही खास दिन है और इसके चक्कर में अगर वो ये बात सभी को बताएगा तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्रेग लिबी से कहता है कि आज मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मगर कल हम इसके बारे में सोचेंगे। लिबी कहती है कि हो सकता है कि कोई किलर यहाँ पर घूम रहा हो, हमें ये बात पुलिस को बतानी चाहिए। मगर क्रेग कहता है कि यहाँ पर अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, जिससे हमारे पास तो अभी फोन भी नहीं है। अब इसके बाद में ये बात किसी और को पता ना चल पाए, जिससे ये दोनों जेमा की बॉडी को डस्टबिन में फेंक देते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वही जींस लॉर्ड नाम के एक बंदे को मिली है। क्रेग लॉर्ड से कॉन्टेक्ट करके उसे हंटर को ढूंढने जाने के लिए कहता है। लॉर्ड अपने साथ में वो जींस भी ले जाता है और जब वो एक स्टोर रूम में हंटर को ढूंढने के लिए उसी जींस के साथ में पहुंचता है तो यहाँ पर ये जो जींस होती है वो लॉर्ड को भी अपने वश में कर लेती है और इसी दौरान वो जींस इस पर भी हमला कर देती है, जिसके बाद में ये जींस लॉर्ड को बेहद ही बुरी तरीके से मार देती है। अब तभी हम देखते हैं कि जब क्रेग को लॉर्ड का कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो वो भी इसी स्टोर रूम में आ जाता है। वो यहाँ पर उसके सामने पड़े हुए बॉक्स को खोल के देखता है तो उसमें उसे लॉर्ड की डेथ बॉडी मिलती है। पीछे से तभी लिबी भी आके ये देख लेती है। लिबी इसे देखकर काफी डर जाती है, मगर जब लिबी बाहर सभी को ये बात बताने के लिए जाती है तो क्रेग उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देता है। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि लॉकडाउन को एक घंटे के लिए खोला गया है और यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आकर इस जींस का रिव्यू कर रहे हैं। अब इसी लाइव सेशन के दौरान अचानक से वो जींस उस लड़की के गले को पीछे से पकड़ के उसे मार देती है। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग बेहद हैरान हो जाते हैं और इसके बाद में ये जींस यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को अब मार देती है। कुछ समय बाद इस जगह का मैनेजर क्रेग इस जगह पर आकर देखता है कि एक जींस ने सभी लोगों को मार दिया है और
और साथ में वो उन्हें खा भी गई है। ये देखकर क्रेग डर के इस जगह से जल्दी से भागता है। क्रेग भाग के सीधा अपने ऑफिस में जाता है। यहाँ पर पहले से एक लड़की थी। क्रेग उस लड़की से बाहर उस किलर जींस के बारे में बताता है, मगर वो लड़की उसकी बात नहीं मानती। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई प्रैंक चल रहा है, जिसके बाद वो कमरे से बाहर निकल के उस जींस को उठा लेती है। फिर वो जींस अब उस लड़की को भी मार देती है। इधर शोरूम में श्रुति सभी चीजों से अनजान अपने काम में लगी होती है। उसे नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। वो आराम से म्यूजिक सुनते हुए अपना वर्क कर रही होती है, लेकिन तभी पीछे से वही जींस उसे मारने के लिए आती है। मगर ये जो सॉन्ग श्रुति सुन रही थी वो एक बॉलीवुड सॉन्ग हमारा इंडिया था, जिसे सुनने के बाद में ये जींस भी डांस करने लगती है। कुछ समय बाद में श्रुति यहाँ से चली जाती है और ये जींस उसके सामने रखे हुए डमी को अपना शरीर बना लेती है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिबी बेहोशी से जगी है और उसके बाद में वो उसी शोरूम में आती है। उसे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखता है, पर उसके सामने उसे एक कैमरा मिलता है। वो उस कैमरे को उठा के उसमें वीडियो देखती है। उसमें उसे दिखता है कि एक जींस ने लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। लिबी अब यहाँ से निकलकर श्रुति के ऑफिस में जाती है। वो श्रुति से इस किलर जींस के बारे में बताती है। दोनों लोग जान जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर खतरा है, जिससे अब दोनों लोग इस जगह से भागने लगते हैं। मगर तब तक एक घंटा पूरा हो जाता है और लॉकडाउन फिर से एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद में वो दोनों अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। लिबी और श्रुति दोनों लोग अब क्रेग के ऑफिस जाते हैं। क्रेग को पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मगर फिर भी वो उन दोनों के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो कुछ भी नहीं जानता। लिबी को तभी सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि वो जींस मरे हुए लोगों को डस्टबिन में लेके जा रही है। लिबी फिर से उसी कैमरे की वीडियोस को देखती है। वो देखती है कि जब श्रुति सॉन्ग सुन रही थी तो जींस भी उसके पीछे डांस कर रही थी। लिबी श्रुति से सॉन्ग का नेम पूछती है, जिसके बाद में लिबी हमारा इंडिया सॉन्ग को माइक से लाउड स्पीकर पर बजा देती है, जिससे फिर से वो जींस डांस करने लगती है। अब श्रुति इसी दौरान नोटिस करती है कि डमी को बिंदी लगी हुई है। श्रुति समझ जाती है ये कोई इंडियन आत्मा है जो इस जींस में आ गई है। श्रुति हिंदी में उससे बात करते हुए उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसके बाद में वो जींस दीवार पर कुछ लिखती है। ये कीरत होता है, जो कि वो इसका नाम है। अब हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि कीरत एक इंडियन गर्ल है जो कि 13 साल की थी। वो कॉटन फील्ड में वर्क करती थी, लेकिन इसी के दौरान उसका दुपट्टा उस मशीन में फंस गया और कीरत की मौत हो गई। श्रुति और लिबी इतनी छोटी बच्ची से काम करवाने के लिए बेहद ही गुस्सा होती है। लिबी और श्रुति दोनों उसकी हेल्प करना चाहती है, मगर तभी इसी के दौरान पीछे से क्रेग आकर उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे कर देता है, जिससे वो जींस भाग जाती है। लिबी इस बात से क्रेग से काफी गुस्सा हो जाती है। वो दोनों लोग जानती थी कि इस जींस को रोकने का यही मौका था, लेकिन क्रेग ने सब गड़बड़ कर दी। लिबी कहती है कि हो सकता है कि यहाँ पर और भी उसी के जैसी जींस हो। अब श्रुति और लिबी दोनों लोग खून के निशानों का पीछा करते हुए उसी जींस की ओर जाते हैं। वो स्टोर रूम में पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ पर कई सारी उसी टाइप के जींस मिलके मरे हुए लोगों के मांस को खा रही हैं। दोनों लोग बेहद ही डर जाते हैं और यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, मगर क्रेग दरवाजे पर आकर उन्हें अंदर ही बंद कर देता है। क्रेग उनसे कहता है कि मुझे कैमरा दे दो, वरना मैं तुम्हें बाहर नहीं आने दूंगा। क्रेग उनसे कैमरा इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसमें वो सबूत है, जिससे सभी लोगों को पता चल सकता है कि इस शोरूम में आज क्या हुआ है। अब उसके कैमरा मांगने पर भी वो दोनों लोग उसे कैमरा नहीं देती हैं और अंदर ही जाकर कहीं छिप जाती हैं। कैमरे को लेने के लिए क्रेग अंदर चला जाता है। अंदर आने के बाद में वो श्रुति को मार के उससे कैमरा ले लेता है। वो तभी लिबी को भी पकड़ लेता है और वो उसे भी लगभग मारने ही वाला था कि तब तक उसके सामने कई सारी जींस आ जाती हैं। अब वो सभी जींस क्रेग के ऊपर हमला करके उसे मार देती हैं। वो जींस उसके शरीर के पूरे मांस को खा जाती हैं। अंत में यहाँ पर सिर्फ लिबी बचती है। वो शोरूम में जाकर देखती है कि यहाँ पर सिर्फ जींस ही जींस लगी हुई हैं। जल्द ही 8 बजने वाले हैं, जिससे लॉकडाउन खुल जाएगा और यहाँ लोगों का आना स्टार्ट हो जाएगा। लिबी जींस से यानी कि कीरत से कहती है कि ये सब बंद कर दो, इससे तुम्हें कोई भी इंसाफ नहीं मिलेगा। मगर जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है और सभी लोग अंदर आते हैं, तो ये सभी जींस सभी लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है और यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। सो गाइस, मानता हूं कि मूवी आपको थोड़ा इलॉजिकल लगी होगी, मगर लॉजिक को हटा के अगर आपने इस मूवी को एंजॉय किया होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग जिस भी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये थी हमारी स्लैक्स मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।